मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही के एक ही कार। अरे भाई पीछे हो जाओ यार, सीनियर कैमरामैन हो सारे के सारे यार, पानी पीछे हो जाओ यार, थोड़ा थोड़ा पीछे हो सर, आप यार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीश जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक लोकतंत्र पर हमला है।